हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ रवि चैनल के इस महातांडव सीरीज में। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में आने वाले केमिस्ट्री से टॉप 35 क्वेश्चंस की। जहां दोस्तों 2019 में पूछे गए सभी टॉप 35 क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर भी कराया जाएगा। साथियों तो फटाफट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दें, सभी ग्रुपों में क्लास को फैला देंगे। अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। तो चलिए फटाफट से इसका जवाब बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है एस ब्लॉक तत्व, ऑप्शन बी पी ब्लॉक के तत्व, ये ऑप्शन डी सी बोलता है साथियों, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व को। चलिए सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और साथियों आपको पता होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट 21 से लेकर 29 के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगर जिंक आ जाए साथियों तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है, क्योंकि जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है और ये 21 से 29 के बीच में नहीं आता। और कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी दे देगा और क्वेश्चंस पूछेगा साथियों कि इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। और मैं लगभग 3 से 4 बार वो क्वेश्चंस के देखा हूँ साथियों, उसमें हमेशा करके एमजी प्लस देता है साथियों। एमजी यानी मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होता है और 12 21 और 29 के बीच में नहीं आता, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन फाइनली पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है तो इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जितने भी है सभी संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला का आंसर सभी का एकदम राइट है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन में। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है कि K3Fe CN6 एक प्रकार का क्या है, यह आपको बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है फटाफट से। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे। और साथ ही इसका अगर साथियों पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री में सभी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका ऑप्शन है, इधर आपके सामने ऑप्शन है, कहता है द्विक लवण है, उप संयोजक यौगिक है, या ऑप्शन सी कहता है अम्लीय लवण है, या डी कहता है साधारण लवण है। तो आपको बताना है वो जो पीछे जो कंपाउंड था वो कैसा लवण है, द्विक लवण है, उप संयोजक यौगिक है, ऑप्शन सी कहता है अम्लीय लवण है, या ऑप्शन डी साधारण लवण है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है, उप संयोजक यौगिक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिखे साथियों कोई भी कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा लगा हो, बड़ी क्वेश्चन के अंदर छोटी क्वेश्चन, तो सभी क्या होते हैं, उप संयोजक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है साथियों कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन सा है। जी दोस्तों, एल्कोहल को हम किस चिन्ह से डिनोट करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, 4 ऑप्शन आपके नजर के सामने, फटाफट से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कहता है COOH, ऑप्शन बी CHO या CO या OH। यहां एल्कोहल का बताना है क्रियाशील मूलक। एल्कोहल का उपयोग साथियों आपके सेनेटाइजर दारू बनाने में भी किया जाता है और इसका क्रियाशील मूलक ऑप्शन नंबर डी एकदम सभी का राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी OH क्रियाशील मूलक होता है अल्कोहल का। CHO जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथियों, ये किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, जिसे हम AL से डिनोट करते हैं। चलिए आगे, 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कहता है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
यानी जब अल्कोहल के निर्माण किया जाता है तो हाइड्रोजन को किसी एक ग्रुप के द्वारा अलग कर दिया जाता है, यानी हाइड्रोजन को हटाने की प्रक्रिया ही अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए आप अल्कोहल बना रहे हैं अल्कोहल, तो इसमें से आपको हाइड्रोजन को निकालना होगा, क्या हाइड्रोजन को निकालना होगा। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक अलग तरीके की समूह इसमें आके जुड़ती है, इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा समूह है जिसके आने से हाइड्रोजन उस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित यानी अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन बी एल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या ऑप्शन डी क्लोरो ग्रुप। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए। अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फिर से एक बार थंब का इंप्रेशन देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और चार नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे कि अल्कोहल को बनाने में किस समूह के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है साथियों, क्लोरो ग्रुप द्वारा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सभी का राइट है, क्लोरो ग्रुप द्वारा अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं, सभी का ऑप्शन नंबर डी था जो कि एकदम राइट है। आगे चलते हैं, पांच नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि लोहा का मुख्य अयस्क है। जी दोस्तों, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है। लोहा बनाने में जो मुख्य मेजर पार्ट होता है साथियों वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है मैग्नेटाइट, बी सीडेराइट, ऑप्शन नंबर सी कहता है हेमेटाइट, या डी इनमें से सभी। चलिए बताइए आप लोग कि लोहे के मुख्य अयस्क क्या है। पांच नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं बता दूं कि अयस्क से आपके अंदर पांच नंबर के सवाल अब आपसे बना के पूछा जाता है, अब न्यू पैटर्न पर आधारित है साथियों। पांच नंबर के क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है, और तीन क्वेश्चन, जी हाँ, एक दो और तीन, तीन क्वेश्चन को मिलाकर आपको अगर तीनों का आंसर देते हैं तब आपका पांच नंबर मिलता है, और दो नंबर में भी इसे आपको पूछा जाता है। तो चलिए बताइए लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। पांच नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, चार ऑप्शन आपके नजदीक में है, बताइए। जी हाँ, क्या है, मैग्नेटाइट, सॉरी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क होता है, बहुत सारे हेमेटाइट मिलकर लोहा का निर्माण होता है। चलिए आगे, छह नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, छह नंबर सवाल है साथियों कि फर्स्ट आवर्त सारणी, क्या फर्स्ट आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्वों को जाना जाता है, यानी कौन सा ऐसा ग्रुप के तत्व है जिसे हम फर्स्ट आवर्त के सारणी में रखते हैं, इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन कहता है क्षारीय धातु, ऑप्शन बी क्षारीय भूमिज धातु यानी क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन सी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस आपको पता होगा, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, और आई आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्वों को नहीं जाना, सॉरी तत्वों को जाना जाता है, यानी आई जो आवर्त सारणी है और किस नाम से इस ग्रुप के तत्वों को जाना जाता है आपको बताना है। फटाफट से सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, क्षारीय धातु कहते हैं आई आवर्त सारणी जिसे हम फर्स्ट आवर्त सारणी कहते हैं, और आवर्त सारणी आपको पूरी तरह से याद होगा, टोटल 118 तत्व अभी तक शामिल किए गए हैं आवर्त सारणी में। तो अभी आपको इंटर लेवल तक मात्र 1 से 50 तक याद होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल सात नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि CH4 में सिग्मा की संख्या कितनी है। जी दोस्तों, सात नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है कि CH4 में सिग्मा बंध, पाई बंध और लेमडा बंध, सभी बंध आपको पूरी तरह से आता होगा, और आपसे इसमें सिर्फ पूछा है सिग्मा बंध की संख्या कितनी है CH4 में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले CH4
फोर को खोल कर लिख लेना है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे सी, इधर से भी एच लगाएंगे, इधर से भी एच लगाएंगे और चारों तरफ से एच लगा देंगे। साथियों आपको पता होगा कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, चार होती है। अधिकतम बॉन्ड चार ही बना सकता है। यहाँ पर आपको सी एच फोर से आगे यानी सी एच फाइव बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा जो होती है, कैपेसिटी होती है, वो चार बंद बनाने की होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिग्मा बंद गिनना है, तो कैसे गिनेंगे? एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, क्योंकि डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है कार्बन से हाइड्रोजन, उसे हम फर्स्ट सिग्मा कहते हैं। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा और ये चौथा। डायरेक्ट यानी ये कार्बन है और कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है एकदम अटैच होना चाहिए, डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। और जब भी डायरेक्ट अटैच हो तो क्या होता है, सिग्मा बंद होता है। तो चलिए बताइए, सात नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कितने हो गए साथियों? टोटल चार हो गए। कितने? टोटल चार सिग्मा बंद इसमें है CH4 में। और ऐसा सवाल आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछने की संभावना 100-10% बनती है। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल याद करके जाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे चलते हैं। आठ नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि NH3 में N का संकरण क्या है? जी दोस्तों, NH3 में N का संकरण आपसे पूछा है आठ नंबर सवाल में। फटाफट आप लोग बताएंगे कि NH3 में N का संकरण क्या है, sp3, sp2, sp या dsp3। संकरण से आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आता है और कभी नहीं भी आता है। तो आपको ऐसा याद करके जाना है साथियों कि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चंस आपके संकरण से यानी हाइब्रिडाइजेशन से पूछने की उम्मीद बनती है। तो बताइए कि NH3 में N का संकरण क्या है? दोस्तों क्या है? sp3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, sp3 NH3 में N का संकरण है। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। नौ नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने अगला सवाल है साथियों। कहता है नौ नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? इनमें से ऐसी कौन सी गैस है साथियों जो एकल परमाणविक है, उनकी परमाणु संख्या एक है, परमाणु भार एक है, उसे हम एकल परमाणविक कहते हैं। तो इनमें से कौन है जो एकल परमाणविक है? ऑप्शन ए कहता है क्लोरीन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी गैस एकल परमाणविक है। जी दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो एकल परमाणविक है साथियों, आपको बताना है। नौ नंबर सवाल में हीलियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सभी का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आ रहा है। हीलियम HE, जिसे हम डिनोट करते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है साथियों, हीलियम। तो हीलियम एकल परमाणविक गैस के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। दस नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु साथियों, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा करते हैं? शोधन से आपके अंतर्गत एग्जाम में पांच नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आपको बताना है कॉपर जो धातु होती है, जिसे CU से डिनोट करते हैं। चलिए साथियों बताइए दस नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग, कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा, ऑप्शन बी मंडल परिष्करण द्वारा, ऑप्शन सी वर्णलेखिका, या इनमें से कोई नहीं। दस नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आना चाहिए, क्या होगा? कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? जी हाँ, किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसे इस प्रक्रिया के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है साथियों और एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। कहता है अमोनिया, क्या अमोनिया आंध्रलाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, किस रंग में बदल देता है? साथियों
ये एक सवाल आप लोग 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी ये 12th में आपसे पूछने जा रहा साथियों 2024 में। तो बताइए आप लोग कि अमोनिया है जो आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, बी हरा, सी भी हरा बोलता है साथियों, जो कि ऑप्शन रिपीट कर गया है। यहाँ पे आप लोग क्या व्हाइट कर लीजिए, व्हाइट, और ऑप्शन डी उजला। तो सॉरी यहाँ पर व्हाइट यानी उजला आ ही गया, ब्लू कर लीजिए साथियों। तो बताइए अमोनिया आंध्र लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है। कोई भी ऑप्शन हो आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन तो यहाँ चार है लेकिन दो रिपीट कर गया है, तो बताइए। लेकिन ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है साथियों, लाल कर देता है। आप लोग ये सवाल 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में 10th में भी 100% पूछा गया होगा और 12th में भी ये सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि H2SO4 है क्या है। H2SO4 एक प्रकार का क्या है, द्विभाष्मिक अम्ल, एक भाष्मिक अम्ल, एक भाष्मिक अम्ल या द्विभाष्मिक अम्ल, द्वि अम्लीय भस्म है साथियों, और यहाँ पर एकल अम्लीय भस्म है और यहाँ पर एकल भाष्मिक अम्ल है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, चार ऑप्शन आपकी एक नंबर कम कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से देखिए इसमें सेट किया गया है जो आप कंफ्यूज कीजिएगा, और जब आप इसे फास्ट में पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन चारों ऑप्शन एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। जैसे द्विभाष्मिक अम्ल और इसे भी आप द्विभाष्मिक पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एकल भाष्मिक अम्ल और यहाँ पर एकल भाष्मिक अम्ल इसे भी पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर खेला कुछ नहीं किया गया है, अम्लीय की जगह पर भाष्मिक और भाष्मिक की जगह पर अम्लीय सेट किया गया है साथियों। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग कि H2SO4 एक प्रकार का क्या है। 12 नंबर सवाल आपसे यही पूछा है, सभी का राइट ऑप्शन आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताएंगे कि H2SO4 एक प्रकार का क्या है। जी हाँ दोस्तों, सभी का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द्विभाष्मिक अम्ल है। क्या है, द्विभाष्मिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और ये 100% साथियों राइट है। चलिए आगे आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है साथियों कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, साथियों ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है। ऑप्शन नंबर सी कहता है साथियों लेटेक्स है, लेटेक्स यानी वो लमरता है साथियों, लेटेक्स होता है और ये जंगली पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी कहता है पॉलीथीन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है एक प्रकार का साथियों। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, चार ऑप्शन मजेदार ऑप्शन है और ये सवाल आपके पॉलीमर चैप्टर यानी बहुलक से उठाया गया है, और बहुलक से आपसे इसी प्रकार की क्वेश्चन हर एक साल आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो एक प्रकार का ब्यूना एन और ब्यूना एस एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित लवर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके एक ही मात्र ट्रिक है साथियों, जब भी यहाँ पर एन लगे और एस लगे तो वन मिनट, एन और जब एस लगे तो आपको ध्यान देना है कि एन और एस क्या है, बनाया गया है यानी संश्लेषित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट करके आप लोग आगे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, PCl5 एक है क्या है। एक सवाल आपसे बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट कर चुका है और पूछने की उम्मीद बनती है। PCl5 प्राप्त किया जा सकता है जबकि PCl3 नहीं, या इसका उल्टा है साथियों, PCl3 प्राप्त किया जा सकता है, PCl5 नहीं, ऐसा क्यों। आपको मात्र दो लाइन में इसका आंसर देना है और दो नंबर लेके जाना है, क्योंकि ये सवाल PCl3 और PCl5 पे लगभग लगभग चार बार रिपीट कर चुका है साथियों बिहार बोर्ड ने, और बीच करके नहीं, हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो आप लोग भी 2024 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। चलिए बताइए, 14 नंबर सवाल आपसे पूछा है, PCl5 एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए कहता है ऑक्सीकारक, बी अवकारक, सी ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों, डी कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सभी का राइट आ रहा है, ऑक्सीकारक है। PCl5 क्या है साथियों? एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। ये सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 15 नंबर सवाल आपसे यही पूछा कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है। जी दोस्तों, उजला और पीला फास्फोरस क्या है आपसे पूछा गया है। एक अपरूप है, ऑप्शन बी कहता है समस्थानिक, सी कहता है संभारिक और डी समन्यूट्रॉनिक। तो साथियों आपको पता होगा लाल फास्फोरस के बारे में यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। लाल फास्फोरस आपके दिया सलाई यानी सलाई जो इस्तेमाल करते हैं उसमें उपयुक्त किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग मैं एक बार और बता दूं साथियों, पहले के जमाने में या आज के भी इस कंडीशन में भी जो शिप चलती है साथियों, जहाज जो समुद्र में चलती है, तो उसकी सिग्नल के उपयोग में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान वो अपना शिप पर देते हैं। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस क्या है, एक ही जाति क्या है यानी क्या है, अपरूप है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है, अपरूप है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या, पीएच मान। चलिए बताइए पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का। ऑप्शन ए कहता है 1, बी कहता है 4, सी कह रहा है साथियों 3 और डी 4, डी कह रहा है साथियों 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये ना अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, यानी ये उदासीन होता है और इसका शुद्ध मान 7 होता है। चलिए आगे 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है क्या है। जी दोस्तों, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। 17 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन ए कहता है धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी कहता है उपधातु या डी कोई नहीं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है साथियों। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। अधातु के अंतर्गत आता है कौन, नाइट्रोजन, एवं ऑक्सीजन किसके अंतर्गत आता है, अधातु के अंतर्गत आता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार फिर से अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 18 नंबर कई बार बिहार बोर्ड में रिपीट किए गए हैं। 18 नंबर सवाल आपसे यही पूछा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2। जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। NCERT का फॉलो कीजिए आप लोग, NCERT। जी दोस्तों, 100-10% सभी क्वेश्चंस आपको NCERT से उठाया जाएगा। तो 18 नंबर सवाल का जवाब 96,500, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है जो कि एकदम राइट है। एक फैराडे जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, 1 फैराडे इजकल टू 96,500 कूलम होता है। ये आप ध्यान में रखिए, 2024 में इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि हर एक साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है क्या, कहता है 19 नंबर सवाल साथियों कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। 19 नंबर सवाल, आवर्त सारणी में द्वितीय जो आवर्त है, सेकेंडरी आवर्त है साथियों, उसमें तत्व कितने हैं, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। 19 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से दीजिए कि दूसरे आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है। तो पहला में तो साथियों 2 होता है, दूसरा में क्या होता है, 8 होता है। दूसरा में कितना होता है, 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। तीसरा में 18 और इसमें 32 होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने,
कहता है हीलियम का सूत्र है, ये सवाल हमने पहले ही बता चुका हूं, सेकेंड क्वेश्चन में शायद हमने ये बताया था हीलियम का रासायनिक सूत्र। तो चलिए बताइए, और ये सवाल ऐसी जैसी सवाल आपसे प्रैक्टिकल के एग्जाम में मौखिक टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो बताइए हीलियम का सूत्र क्या है, HE HI HM या इनमें से सभी, इनमें से क्या इनमें से सभी के द्वारा हीलियम का हीलियम को डिनोटेड किया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, हीलियम को HE के द्वारा डिनोट किया जाता है, HE के द्वारा हीलियम को डिनोट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहता है साथियों कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपको यहाँ पे बताना है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताना है कि क्या होता है। ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी H2N2O2, ऑप्शन की सी कहता है HNO2 या ऑप्शन डी HNO4। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को। जी दोस्तों, HNO3, क्या HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और ये 100% राइट आंसर है साथियों। चलिए आगे चलते हैं, 22 नंबर सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं साथियों, इसका अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी नीचे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए, सभी प्रकार की PDF आपको सभी सब्जेक्ट का एकदम ऑल सब्जेक्ट का PDF फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत सारे PDF वहां पे अपलोडेड किए जा चुके हैं। तो 22 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सी ऐसी अवयव है जो उपस्थित होता है, ऑप्शन ए SO4, SO2, SO3, H2S या HSO4। ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है, SO3 एकदम ऑप्शन नंबर राइट है, ओलियम के साथ H2SO4 के साथ SO3 का अवयव उपस्थित होता है, किसमें, ओलियम में, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है सभी का। चलिए आगे चलते हैं, 2019 में साथियों कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से एक आपके स्क्रीन के सामने 23 नंबर सवाल पूछा गया है, कहता है कि बेंजीन के साथ OH जुड़ा है और यौगिक का नाम पूछा है, एकदम हलवा क्वेश्चन था साथियों 2019 में, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर लगाने वाला है। कहता है जब बेंजीन रहे साथियों तो इसे तो आप क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, ये सिर्फ क्या है, बेंजीन है, जिसका फॉर्मूला H6C6H6 होता है, और जब भी आपको बेंजीन के ऊपर, या दोस्तों बेंजीन के ऊपर जब भी आपको OH समूह लग जाए, तो सिर्फ अगर OH रहे, अलग से सिर्फ OH रहे, ये बेंजीन पर ना रहे, तो इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, और जब ये बेंजीन पर आके सट जाए तो ये बेंजीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, फिनॉल बना लेता है, क्या, फिनाइल नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर बी फिनॉल बना लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा 100 to 10%, सभी का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं, यानी किसी धात्विक अयस्क को शुद्धिकरण किया जाता है साथियों गलनांक भट्टी के नीचे, तो आपको बताना है कि क्या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है भर्जन विधि द्वारा, ऑप्शन बी प्रगलन विधि द्वारा, ऑप्शन सी निस्तापन या ऑप्शन डी इनमें से सभी विधि द्वारा। 24 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसे गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, भर्जन विधि द्वारा इसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है हवा की अधिकता में, और जब भी हवा न दिया हो तो उस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कहता है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं। कार्बोनाइट जो जलांशित होकर, यानी कार्बोनाइट को जब हम जलाते हैं तो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई में प्रदान करता है, यानी 3 से 10 इकाई में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। 25 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताइए कि क्या कहते हैं जब भी कार्बोनाइट को गर्म किया जाता है और 3 से 10 के बीच में टूटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, इसे क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि सुक्रोज का सूत्र क्या है। ये दोस्तों सुक्रोज का सूत्र आपसे पूछा है क्या है, C6H22O11 या C12H22O11 या C12H24O11। ऑप्शन नंबर डी कहता है C12H22O10। तो सुक्रोज यानी चीनी, चीनी का मुख्य अवयव सुक्रोज होता है। तो 26 नंबर सवाल का जवाब आपको चीनी से याद रखना है कि C6H12O11। हमने अपने ट्रिक से याद रखा था कहो 12 मतलब C12H22O11, कहो 12H22O11 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी C12H22O11 सुक्रोज का सूत्र है, जिसे हम चीनी का भी सूत्र बोलते हैं, क्योंकि चीनी का मुख्य अवयव सुक्रोज होता है, मुख्य प्रोडक्ट सुक्रोज होता है। चलिए आगे। 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र होकर एकत्र नहीं किया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या ऑक्सीजन है, H2S है, SO2 है या N2 है। 27 नंबर जवाब फटाफट देंगे, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी का आना चाहिए। SO2। जी दोस्तों, SO2 ऐसा प्रकार का एक प्रकार का गैस है जिसे हम जल के ऊपर एकत्र नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि एकदम राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी सभी का एकदम राइट है। चलिए आगे। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, डेटॉल का उपयोग किया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा। डेटॉल का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि अल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो आपको ध्यान देना है। अल्कोहल का उपयोग दारू बनाने में, उसके बाद सैनिटाइजर में किया जाता है। डेटॉल का उपयोग की बात जब भी आए साथियों, तो घर की साफ सफाई में किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी कहने का मतलब कीटनाशक होता है साथियों डेटॉल, और ये जब भी किसी कीड़े पर पड़ता है तो उसे मार देता है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधी। प्रतिरोधी कहने का मतलब रोधक को पहले हटा देना, उसे क्या करना, अटैक करके उसे मार देना। तो प्रतिरोधी है क्या, डेटॉल। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, प्रतिरोधी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कहता है साथियों कि CH3CH2NH2 में NH2 को कहा जाता है क्या। 29 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है इथाइल एमीन कहते हैं, प्रोपाइल एमीन कहते हैं, मिथाइल एमीन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कहता है अमोनिया कहते हैं। तो CH3CH2NH2 को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, इथाइल एमीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों। मैं बता दूं, इस क्वेश्चन सेट से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं, और इस सेट से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको यू ही बिहार बोर्ड में 2024 में डायरेक्ट लड़ेगा। तो बताइए 30 नंबर सवाल का जवाब, कहता है CH3COOH का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन ए कहता है मिथेनोइक है, ऑप्शन बी इथेनोइक है, प्रोपोनोइक अम्ल है, या मिथेनॉल है।
CH3COOH का IUPAC नाम। ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है एकदम राइट आ रहा है साथियों, एक प्रकार का इथेनोइक अम्ल है। चलिए आगे 31 नंबर सवाल का जवाब और 32 नंबर सवाल का जवाब, दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार लिगेंड से यानी उप संयोजक यौगिक से पूछा गया है आपसे। इसमें पूछा गया है कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो चलिए साथियों आपको बताना है कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो ये कंपाउंड आपको बिहार बोर्ड में बिल्कुल भी चेंज नहीं करने जा रहा है, सेम टू सेम ये कंपाउंड आपसे पूछेगा और उसमें ऑक्सीकरण संख्या भी Fe की पूछेगी न कि CN की, ये तो निश्चित रहता है साथियों। तो बताइए, और डायरेक्ट इसका आपको आंसर याद करके जाना है, +2 होता है फेरिक की ऑक्सीकरण संख्या इस लिगेंड के अंतर्गत। 32 नंबर सवाल, पॉलीथीन एक बहुलक है क्या, इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का। पॉलीथीन, पॉलीथीन कहने का मतलब बहुत सारे एकलक से बना हुआ पॉली, बहुत सारे एकलक, मान लीजिए बहुत सारे एकलक है और ये आपस में मिलकर एक पॉलीथीन का निर्माण किया, या दोस्तों किसका, पॉलीथीन का निर्माण किया, तो ये किसका एक बहुलक है साथियों, इथीन का बहुलक है पॉलीथीन। इसका जवाब साथियों क्वेश्चन के अंतर्गत छिपा हुआ रहता है यहाँ पे, पॉलीथीन यानी इथीन, उच्चारण से ही इसका आंसर आता है और सभी लोग आपको यही बताएंगे कि इसका आंसर मात्र उच्चारण से आता है, पॉलीथीन यानी इथीन, इथेन बिल्कुल भी नहीं, इथीन। इथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन, बहुत सारे इथीन मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। चलिए आगे 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं, मात्र दो या तीन क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, ये आपको बताना है। प्रत्याम्ल, पीराहारी, ज्वरनाशी, प्रतिजैविक, कौन सी ऐसी इसमें से दवा है, चार दवा आपकी स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन सी ऐसी दवा जब हम लेंगे तो पेट में जो अत्यधिक अम्ल जो बना है उसे रोका जा सकता है, गैस्ट्रिक की समस्या को इनमें से कौन सी दवा से हम खत्म कर सकते हैं आपको बताना है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट है, प्रत्याम्ल, प्रत्याम्ल यानी एंटालेट, एंटी, एंटा कहने का मतलब क्या, उल्टा, यानी अम्ल है तो इसमें एंटा अम्ल देना है यानी प्रत्यय अम्ल देना है, जिसे हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, जस्ट उल्टा। चलिए आगे चलते हैं, 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा। ऑप्शन ए संपर्क विधि, ऑप्शन बी ऑस्वाल्ड विधि, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, या ऑप्शन डी हैवर विधि के द्वारा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है कि नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। और ये चार जो ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है साथियों, मैं बता दूं ये चार ऑप्शन आपको पूरी तरह से याद करके जाना है, और चार ऑप्शन आपको ऑप्शन सिर्फ नहीं याद करना है, इसे आप पांच नंबर में याद करें। जैसे संपर्क विधि है तो इसका पूरा थ्योरी के साथ, फिगर के साथ याद करके जाए। ऑस्वाल्ड विधि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं बता दूं साथियों जो चार आपके सामने ये देख रहा है जरूर करके जाए, पांच नंबर के क्वेश्चंस में आपके दो क्वेश्चंस ये जरूर देगा साथियों। हैवर विधि, ऑस्वाल्ड विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि, संपर्क विधि, ये सभी विधि जो होती है पांच नंबर क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, VVI है। मैं भी इसका जरूर कराऊंगा साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो अभी तत्काल में बताइए 34 नंबर सवाल का जवाब आप लोग दीजिए फटाफट से। ऑस्वाल्ड विधि जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है साथियों, और नाइट्रिक अम्ल ऑस्वाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, और बहुत बार ये पांच नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है। चलिए आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्यम्ल, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि ज्वर को कम करने के लिए यानी बुखार को कम करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है साथियों, ज्वरनाशी, ज्वरनाशी दवा का उपयोग बिल्कुल ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है।
ये रहा साथियों आपके 2019 में पूछे गए टोटल 35 क्वेश्चंस, जो आपको बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और आपके सामने सभी क्वेश्चंस का आंसर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।